नमस्ते प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको टमाटर ग्रो करने के लिए बताए थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टमाटर के बीज जरूर लगाए होंगे और उसमें अब छोटी सी पनीरी भी आ गई होगी। तो अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में यदि हमारे पास गमले नहीं हैं, तो हम उन सैपलिंग्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे बड़ी चीज में। तो बड़ी चीज में ट्रांसफर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो हम उन बॉटल्स में टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। पर लेकिन उसको कैसे उगाना है, बॉटल हैंगिंग्स कैसे बनानी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बॉटल हैंगिंग्स बना के और उसमें टमाटर का पौधा कैसे लगाना है। चलिए तो बच्चों, ये देखो, ये एक पुरानी कोक की बॉटल है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको पीछे से काट दिया, इधर से ढक्कन निकाल के पीछे से काट दिया, और यहाँ पर दो, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, इसके आमने सामने दो होल्स कर दिए। और होल करने के इसलिए किए ताकि हम जब इसके बॉटल हैंगिंग बनाएंगे तो उसके अंदर हमने ये रस्सी सी डालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो हमने पनीरी लगाई थी उसमें ये साइज हो गया पनीरी का। अब इसको अगर हम सीधा बॉटल में डालेंगे तो पत्ते टूट जाएंगे, जड़ खराब हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पनीरी को, इस सैपलिंग को एक हम टिश्यू पेपर में ऐसे करके लपेट लेंगे ताकि इसके पत्ते ना टूटे जब हम बॉटल में डालना शुरू करेंगे। ऐसे करके लपेट लिया आपने, अगर आपको बड़ा लगता है, आपकी सैपलिंग छोटी है, तो आप उसको डबल करके भी कर सकते हैं, इस प्रकार से डबल करके भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ताकि आपको पता रहे कि जड़ जो है किस साइड है। आपने ऐसे इसको लपेट लिया, और एक ये मैंने कपड़ा लिया है, सिंपल मलमल का कपड़ा लेके बीच में इसके होल डाला है। इसका रीज़न आपको मैं बताऊंगी कि इसके अंदर हम इसको ऐसे डाल के और फिर इसको हम इसमें डालेंगे बॉटल में, इसलिए डालना है इसमें बॉटल में। आराम से डालिएगा ताकि इसके पत्ते टूटे ना, धीरे से हल्के हाथों से आप इसको ऐसे दबा के बाहर निकाल दीजिए। और ये जो आपका कपड़ा है इसको बॉटल की नेक के पास रख दीजिए। इसमें रीज़न ये है कि जब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, पानी डालेंगे, तो ये कपड़ा जो है पानी को, ये जो कपड़ा है हमने इसलिए लगाया ताकि मिट्टी जो है उसकी बाहर ना निकले, कपड़ा जो है मिट्टी को रोक लेगा। और इस प्रकार आप इसमें मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी आप हमने वैसी ही बनाई है, सेम गार्डन सॉइल में थोड़े से खाद डाली है और उसको हमने मिक्स करके इसमें, आप ऐसे करके इसमें डालते जाइए, जहाँ तक आपने छेद बनाया है उसमें थोड़ा सा और डालेंगे यहाँ तक, ताकि आप जब पानी डालें तो उसमें स्पेस बचती रहेगी। अब आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो आपका छोटी सी बारीक सी रस्सी है इधर से डालिए इस प्रकार, और इधर से हम डाल के इस प्रकार से डाल के इसको खींच लीजिए। और इस प्रकार आप बांध के इसको टांग लेंगे। जब आप टांगेंगे तब इसमें पानी डालेंगे। और एक बात याद रखिएगा, टांगने के बाद इस टिश्यू पेपर को धीरे धीरे आप खोल देंगे। ये हमने इसीलिए लगाया था कि ताकि पत्ते हमारे उसमें जाते वक्त ना टूटे। आराम से धीरे धीरे इस टिश्यू को खोल दीजिएगा, टांगने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ये पौधा बहुत अच्छे से, और इस प्रकार आप जितनी भी आपके पास बॉटल्स हैं आप उसमें बना सकते हैं, खाली टमाटर के नहीं, और भी अगर हम कोई बीज तैयार करेंगे, डालेंगे, सैपलिंग्स तैयार करेंगे, तो उसको भी हम लगा सकते हैं इसे प्यार से, क्योंकि धीरे धीरे जब इसको आप खोल देंगे, पानी डालेंगे, और आपका बाकी का जो पेपर है इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी जड़ टूट जाएगी। इसको धीरे से ऐसे, और ये बाकी का जो टिश्यू है आपका, धीरे धीरे जब पानी जल जाता है तो ये अपने आप गल के ठीक हो जाएगा। और आपका मिट्टी इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार आप अपनी बॉटल हैंगिंग्स बना के आप घर में कहीं पर भी, ग्रिल में कहीं पर भी आप टांग सकते हैं। और इसमें मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें टमाटर भी आपके लगेंगे।
तो बच्चों कैसा लगा आपको बॉटल हैंगिंग बनाना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बॉटल हैंगिंग्स बना के उसमें अपना जो घर है उसको ग्रीन वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। एक पूरी दीवार में नेल्स लगा के बॉटल हैंगिंग्स के साथ आप अपनी ग्रीन वॉल भी घर पर बना सकते हैं। एंजॉय योर एक्टिविटी। बाय।